हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल आर्यन जी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन की सहायता से बर्थडे का पोस्टर कैसे बनाएंगे। यदि आप एक पोस्टर डिजाइनर हैं और अपने लिए खुद का बैनर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आप हैप्पी बर्थडे का पोस्टर फुल HD क्वालिटी में कैसे तैयार करेंगे। सो गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पास में मिलेगा आपको घंटे का बटन, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो हमारा जो न्यू टेक्स्ट है यह डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स हम जो है जिस भी पोस्टर को तैयार करना चाहते हैं बैकग्राउंड को लेकर, उसे हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है। उसे ऐड करने के लिए हमें अपने जो है जहाँ पे स्टोर किए हैं उस वाले फोल्डर में चले जाना होगा। यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड को चूज करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो है प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स हम जो है अपने उस फोटो को ऐड कर लेंगे जिस फोटो को लेकर हमें जो है हैप्पी बर्थडे का पोस्टर तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोटो है, इस फोटो को हम जो है ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इस फोटो को ऐड कर लेते हैं और इससे बड़ा कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने फोटो ऐड कर लिया है, अब इसे हम लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। लॉक करने के बाद हम फिर से जो है प्लस के चिन्ह पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। अब हम फिर से जो है अपने हैप्पी बर्थडे का जो टेक्स्ट है उसे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ढेर सारे हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट है। यदि आप इन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर ढेर सारे आपको हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हैप्पी बर्थडे का कोई एक नया सा टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसे कुछ इस प्रकार से ऐड कर देंगे, या फिर यदि आप चाहते हैं तो इसे डिलीट करके आप दूसरे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, आपको जो पसंद हो वही ऐड कीजिए। यहाँ पे हम इस वाले को ऐड कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे इसे ऐसे रहने देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो हैप्पी बर्थडे है बढ़िया से सेट हो चुका है। हम इसे और भी छोटा कर देंगे फ्रेंड्स, और भी इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम जो है लॉक कर देते हैं, इसे लॉक कर देते हैं। अब ये इधर उधर नहीं होगा। तो आप फ्रेंड्स हमें जो है प्लस के चिन्ह पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। अब हमें जो है बैलून का इमेज ले लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ढेर सारे बैलून की इमेजेस हैं, तो हम इस इमेजेस को जो है ऐड कर लेते हैं। इसमें से किसी एक इमेजेस को फ्रेंड्स हम जो है ऐड कर लेंगे और इसे छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स इसे लॉक करके इसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इसे दूसरे साइड में भी ऐड कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है ये बैलून भी ऐड हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम इसे भी लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। लॉक करने के बाद हमें फिर से प्लस के चिन्ह पे क्लिक करना है और एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करना है। न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद हम यहाँ पे जो है नाम को टाइप कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है अपने नाम को टाइप कर दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव। यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो है फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम जो है फॉन्ट को कुछ इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे,
स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे बढ़िया दिखने लगा है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इतना फ्रेंड्स हम टाइप करने के बाद इसे छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास जो है बिल्कुल अच्छा दिखने लगा है। अब हम इसे थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। कुछ इस प्रकार से अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमें फिर से जो है यहाँ प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करना है और एक न्यू टेक्स्ट को लेना है। यहाँ पे हम जो है इनके जो है जो डेट ऑफ बर्थ है इसको टाइप कर देते हैं। जैसे 17 जुलाई। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब हम यहाँ टाइप करने के बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसे हम कहीं पर भी कोने पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ कोने पे लगा देते हैं या हम कहीं कोने पे लगा देते हैं या हम यहाँ पे लगा देंगे। इसे यहाँ पे इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है इसके बैकग्राउंड को इनेबल कर देंगे। जैसा कि बैकग्राउंड है यहाँ पे हम इसे इनेबल कर दिए और लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग भी यहाँ पे हम बढ़िया से दे देंगे। अब हम यहाँ पे इसके कलर को भी चूज कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने हिसाब से। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो कलर है चूज हो चुका है। यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इसे एडिट करेंगे फ्रेंड्स। एडिट करने के बाद हम यहाँ बैकग्राउंड पे चले जाएंगे। बैकग्राउंड पे जाने के बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियस जो है यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे। रेडियस करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ये बैकग्राउंड है कुछ अच्छा दिखने लगा है। तो आप लोग भी अपने मन मुताबिक यहाँ से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में बना सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं मिला है तो आप पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे PLP फाइल को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप पासवर्ड को नहीं देखेंगे फ्रेंड्स तब तक आप किसी भी ज़िप फाइल को अनज़िप नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कहीं पर भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी, क्योंकि हम ऐसे ही पोस्टर डिजाइनिंग से संबंधित वीडियो रोज लाते रहते हैं। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।